हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक टॉपिक पे बना रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे टाइफाइड वाले वीडियो पे बहुत सारे सवाल करते हैं और मैं हर सवाल का कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जवाब दे दूँ और हर एक चीज़ का रीज़न बताऊँ कि ऐसा हमारी बॉडी में क्यों होता है, हम इस चीज़ का यूज़ क्यों करते हैं, हमें ये परहेज करने की ज़रूरत क्यों होती है। और इधर बीच लगातार समहाउ मेरे उन्हीं सारे वीडियोस पे पीलिया को लेके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब मैं किसी को कोई रेमेडी बताती हूँ तो उनके पलट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत जेन्युइन होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं टाइफाइड और पीलिया जॉन्डिस दोनों से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी और दोनों के बॉडी के क्या सिम्टम होते हैं, हमें क्यों परहेज करना चाहिए, क्यों हमें बहुत सारी चीज़ें अगर डॉक्टर अलाउ भी कर देते हैं तो भी हमें क्यों इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आज के वीडियो में मेंशन करूंगी। तो जितने भी मेरे पास सवाल आए हैं उन सभी सवालों को मैंने नोट डाउन कर लिया है और उन सभी को पर्सनली मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। इनफैक्ट मैं दवा का नाम कभी कभी भूल जाती हूँ, आयुर्वेदिक जो सिरप वगैरह होते हैं इनके लिए उनके नाम भूल जाती हूँ, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए ताकि मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज सकूँ, ताकि आप बिल्कुल वही प्रोडक्ट खरीद सके। और ये जो मैं दवाएँ बताती हूँ या जो सिरप वगैरह बताती हूँ ये बहुत पुराने हैं। आप लोगों ने जो है वैद्यनाथ का नाम सुना होगा और झंडू पंचारिष्ट जो आता है, ये सभी बहुत पुराने पुराने आयुर्वेदिक दवाएं हैं। वैद्यनाथ तो बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब ये इनके ऊपर तो कोई डाउट होता ही नहीं है। हिमालय, पतंजलि, ये तो अभी डेवलप हुए हैं। तो ये जो मैं कोई भी दवा बताती हूँ तो मैं पुरानी भी आप लोगों को बताती हूँ जिनसे आप, आपकी फैमिली मेम्बर सभी परिचित हों, और आप इनका डिटेल रिसर्च गूगल पे भी कर सकते हैं। उस दवा पे भी पूरा डिटेल लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं और ये हम क्यों ले रहे हैं। आज का मेरा जो वीडियो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है कि जब हमें टाइफाइड या जॉन्डिस होता है तो हमारी बॉडी के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है और क्यों हमें बार बार ये रिपीट होता है। सबसे ज़्यादा सवाल तो इसी बात के आते हैं कि मुझे 1.5 साल से है, वो ठीक हो जाता है, फिर रिपीट हो जाता है, फिर मुझे कमज़ोरी है, डॉक्टर ने तो कुछ भी परहेज करने को नहीं बोला है, बोला है सब खाओ, सारे फ्रूट्स खाओ, चावल खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ क्योंकि पेट गर्म होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल। तो सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के मैं आप लोगों को कुछ इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ और क्यों हमें ये सारी चीज़ें खाना है ये बताने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जॉन्डिस में और टाइफाइड में क्या अंतर है। टाइफाइड में ऐसा माना जाता है कि हमें कभी कभी हाई फीवर भी आ जाता है, लेकिन दोनों ही व्याधियों में एक समानता है दोस्तों कि हमें बेहताशा कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है। और पीलिया का तो ये सिम्टम है कि हमारी बॉडी, हमारे कुछ अंग, नाखून, हमारी आंखें, हमारी हल्की हल्की स्किन पीली होने लग जाती है, हमको जो यूरिन आती है वो येलो कलर की आती है, मतलब इस तरह के कई सारे सिम्टम्स होते हैं पीलिया के। और हमें बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह होती है, जी मिचलाता है, ये सारे सिम्टम्स हैं पीलिया के। लेकिन टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, अंदर अंदर वो हमारी बॉडी को खोखला करता चलता है, हमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है, मसल्स पेन होता है हमको, और फीवर तो आता ही नहीं है, टेम्परेचर तो आता ही नहीं है। आपको लगेगा कि मेरी आंखें गर्म है, मेरी हथेलियां गर्म है, लेकिन जब आप थर्मामीटर लगाएंगे तो उसमें बुखार नहीं आता है। ऐसा लोग कहते हैं कि टाइफाइड में हाई फीवर भी होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर आपका 98-99 इससे ऊपर आएगा ही नहीं और आपको टाइफाइड होगा। मतलब आपकी बॉडी में लिवर बहुत स्लोली वर्क करता है, लिवर बीमार हो जाता है जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस या टाइफाइड होता है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले, सारी दवाओं से पहले, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो लिवर धीमा वर्क कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दें, हमें उसका पूरा ख्याल रखना है। और सबसे ज़्यादा दूषित खान पान की वजह से हर तरह की बीमारी फैलती है, दूषित वातावरण से ही हर तरह की बीमारी फैलती है दोस्तों। तो हमें अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे आपको जॉन्डिस हो चाहे आपको टाइफाइड हो, आपको बॉइल्ड वाटर ही लेना है। और ये कोई 1-2 महीने नहीं लेना है, आपको 2-3 साल लगातार उबला हुआ पानी लेना है, क्योंकि कोई भी रोग अगर आपको बॉडी में समझ में आता है तो वो एक ही दिन के उपज नहीं होती है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को
जो है क्षीण बनाता जाता है, और जब आपका लिवर इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है, इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, तब कहीं जाके आपको पता चलना शुरू होता है कि हाँ मुझे कुछ अंदर प्रॉब्लम है, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। सबसे पहले कमजोरी थकान के लिए तो हम लोग सबसे पहले मल्टी विटामिन और ये सिरप जूस वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि हमारी बॉडी सिस्टम धीमा वर्क कर रही है, वो बीमार हो सकती है। सो अगर आपको अननेसेसरी की थकान लग रही है तो सबसे पहले आप जो है खान पान पे ध्यान दीजिए। मल्टीविटामिन, फ्रूट्स, ये सारी चीजें खाने से पहले आप जो है सादा सादा भोजन खाना शुरू कीजिए। आप देखिए कि आप जो पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ है कि नहीं, आप जो भोजन ले रहे हैं वो साफ सुथरा है कि नहीं। जंक फूड खाने से बचिए। सबसे पहला तो आप लोगों को ये हिदायत मैं देना चाहूंगी, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं आप लोगों को उसमें मैंने परहेज करने के लिए सबसे ज्यादा कहा है। आपको दवाएं एक सीमा तक ही आराम पहुंचाएंगी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा आपका परहेज, आपका खुद का अपने प्रति जो रवैया है, अवेयर आप होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाएगा दोस्तों। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपको चाहे टाइफाइड हो या आपको पीलिया हो, दोनों ही रोग में लिवर जो है, यकृत हमारा जो है वो बीमार हो जाता है। उसके सपोर्ट के लिए हमें कोई भी सिरप लेना चाहिए जिससे लिवर को सपोर्ट मिले। फ्रूट भी हमें वही लेने चाहिए जो खट्टे ना हो, एसिटिक ना हो। दोस्तों आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप विटामिन सी से भरे हुए फ्रूट्स खाइए, अनार खाइए, संतरा खाइए, अंगूर खाइए, सभी तरह के फल खाइए जिसमें विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में हो, गन्ने का रस पीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि ये फ्रूट्स खट्टे होते हैं जो कि लिवर के लिए नुकसानदेह होते हैं। खट्टे फल बॉडी के एसिड्स को बढ़ाता है, और जो हमारा लिवर कमजोर है तो वो हमारे एसिड को जो है पचा नहीं पाता है, इस वजह से वो और डैमेज होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी तरह के फ्रूट्स आप बंद कर दीजिए। हाँ, आप पपीता ले सकते हैं क्योंकि पपीता वैसे भी लिवर के लिए सपोर्टेबल होता है, गर्म फ्रूट होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है ना, हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप पपीता ले लीजिए क्योंकि इसमें एसिड नहीं होता है, कोई ऐसा खास इसका टेस्ट भी नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोगों को पपीता पसंद भी नहीं होता है। लेकिन पपीता ही एक ऐसा फ्रूट है जो पीलिया वालों को और टाइफाइड वालों को दोनों को खाना चाहिए। पपीते के अलावा अब मैं बात करती हूँ कि मैं जो टाइफाइड के लिए आप लोगों को बताती हूँ, मुनक्का और खूबकला अंजीर का यूज, तो टाइफाइड के लिए उसे लेने का तरीका एकदम अलग है। आपको टाइफाइड में उसे अलग विधि से लेना है, पीलिया में यानी कि जॉन्डिस में आपको उसे अलग विधि से लेना है। टाइफाइड में आपको मुनक्का और खूबकला को साथ में मिक्स करके सूखा लेना है, मतलब उसे पानी में भिगोना नहीं है, और अंजीर को पानी में भिगो के लेना है, क्योंकि अंजीर सिर्फ जो है हमारी ताकत के लिए है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, और हमारे अंदर जो वीकनेस आ जाती है और ब्लड थोड़ा कम हो जाता है, एनीमिक हम हो जाते हैं, उसके लिए है। लेकिन मुनक्का और खूबकला टाइफाइड की ही मेन दवा है। ये गर्म तासीर के होते हैं लेकिन ये उतना नुकसान नहीं करते। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गर्मी के दिन है मुझे खाना चाहिए कि नहीं, पुरुषों को खाना चाहिए कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसे खाना है, मॉर्निंग और इवनिंग में खाना है, लेकिन खाना जरूर है क्योंकि यही मेन दवा है टाइफाइड की। और इसे जॉन्डिस में लेने के एक अलग तरीका है। जॉन्डिस में आपको केवल मुनक्का लेना है, 10-12 मुनक्का और एक अंजीर, इसे पानी में भिगो लेना है और सुबह सुबह इसे आपको खाना है बस। क्योंकि ये जब पानी में भीग जाते हैं तो इनकी तासीर जस्ट अपोजिट हो जाती है और ये आपके लिवर में ठंडक पहुंचाते हैं। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी या आप लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगी दोस्तों, कि जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक हो या कोई भी हो, वो भी जो दवा देते हैं वो दवा भी गर्म है या ठंडी, ये आप कैसे पता करेंगे? सभी दवाओं को हम बोलते हैं कि हमारी दवाएं चल रही हैं तो ये गर्म होती हैं, तो इनके ये साइड इफेक्ट हैं, तो ये होता है तो वो होता है। हर तरह की दवा गर्म होती है दोस्तों, इसलिए जो लोग इस कॉन्सेप्ट को मेंशन करते हैं कि अंजीर, मुनक्का, खूबकला बहुत गर्म होता है, आप इसे लेने की सलाह दे रही हैं, ये हानि तो नहीं पहुंचा देगा, ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर चीज को लेने का एक तरीका होता है, एक सही समय होता है। आप भर दोपहरिया में नहीं ले रहे हैं जब टेम्परेचर भी हाई होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी हाई होता है। आप इसे मॉर्निंग में ले रहे हैं जब टेम्परेचर बहुत बढ़िया होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, प्लस आप इसे शाम को ले रहे हैं जब ढलते टाइम पीरियड में फिर से वापस से टेम्परेचर जो है ठीक ठाक होता है। लेकिन दवा है तो आपको इसको लेना ही पड़ेगा। और जितनी भी आप एलोपैथिक दवा ले लें या कोई भी दवा ले लें, सभी दवाओं की तासीर ऑलमोस्ट गर्म होती है दोस्तों। तो आप लोग ये बात से तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि अंजीर, मुनक्का, खूबकला आपको गर्म करेगा, आपको नुकसान कर जाएगा, पेट की गर्मी बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रही हूँ, पेट की गर्मी और उन सब चीजों के लिए हम दूसरा सपोर्टिव आइटम ले रहे हैं, हम दूसरी चीजें ले रहे हैं,
लेकिन हमारा लिवर का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम गर्मी की प्रतीक्षा करेंगे, बरसात की प्रतीक्षा करेंगे, ठंड की प्रतीक्षा करेंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स तो रिकमेंड करते हैं कि आप चावल खा सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं क्योंकि छाछ से आपका लिवर ठंडा होगा, पेट में ठंडक मिलेगी, आप मट्ठा पी सकते हैं, आप मूली का रस पी सकते हैं, आप फ्रूट जूस पी सकते हैं, मतलब तरह तरह की चीजें आपको रिकमेंड करते हैं, खासकर गन्ने का रस तो जरूर ही जरूर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सब चीजें लेने को मना करूंगी। उसका रीजन ये है कि छाछ या मट्ठा खट्टी तासीर का होता है और खट्टे पदार्थ फिर से वही एसिड बढ़ाने का काम करते हैं। गन्ने का रस ग्लूकोज से भरपूर होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज जिस समय हमारे शरीर में कहीं भी बुखार है उस चीज को इंक्रीज करता है। चावल की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए जो ठंडे पदार्थ होते हैं या ग्लूकोज वाले पदार्थ होते हैं, अंगूर वगैरह, सभी मैं खाने को मना करती हूँ, क्योंकि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी लेवल में टाइफाइड या इन सब चीजों का परसेंटेज बढ़ाता है, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा, ठंडी तासीर होगी बॉडी की, तो ये सारी व्याधियां उमड़ जाती हैं, वापस से ये पनपने लग जाती हैं। इसलिए मैं इन सभी चीजों को नकारती हूँ कि नहीं, अगर आप होम रेमेडी कर रहे हैं तो आप ये भूल जाइए कि डॉक्टर ने आपको चावल अलाउड किया है या गन्ने का रस अलाउड किया है या सारे फ्रूट्स अलाउड किए हैं। मैं इन्हें मना करती हूँ। जॉन्डिस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें व्हाइट चीजें खानी चाहिए, चावल, छाछ, दही, दूध, मट्ठा, यही सब चीजें लेनी चाहिए, अधिक से अधिक चावल का माड़ वगैरह लेते हैं कि उससे बहुत ताकत आती है। देखिए, कोई भी चीज आपके शरीर में लगेगी या आपको ताकत मिलेगी अगर आपका लिवर ठीक हो जाएगा तो। एक बार आप लिवर ठीक कर लीजिए उसके बाद आप ताकत वाली चीजें खाइए, आपको कोई नहीं मना करता है। लेकिन आप लोग पहले से ही ये सोच लें कि मुझे पीलिया है तो अब सफेद चीजें खाना है, मेरी बॉडी पीली पड़ रही है तो मैं सफेद खाऊंगा तो सफेद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको आपके बॉडी सिस्टम की देखरेख करना जरूरी है। आपका लिवर अच्छी तरह से काम कर रहा है तो बस आप बढ़िया होने के पूरे पूरे कगार पे रहेंगे। आप उबला हुआ खाने की कोशिश कीजिए, उबला पानी पीने की कोशिश कीजिए, सुपाच्य चीजें खाइए जिसको लिवर को पचाने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। दलिया हो गया, पतली पतली रोटियां हो गई, मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, ये सारी चीजें हम आसानी से पचा सकते हैं। ज्यादा हैवी फूड हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि अगर वो नहीं पचेगा तो हमको एसिडिटी होगी, हमको गैस बनेगी, हमारा पेट साफ नहीं होगा, हमें कब्ज होगा। तो सुपाच्य चीजें खाइए जो आसानी से पच जाएं, हमारा पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। अब आप गरिष्ठ चीजें खा लें, लीवर ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, ऊपर से उसे पचाने के लिए या गैस के लिए आप अलग से मेडिसिन ले रहे हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है दोस्तों। अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, या आपकी बॉडी पूरी तरह से टूट गई है, कमजोर हो गई है, तो भी आप धीरज रखिए और आप उबला खाना, सादा खाना खाना शुरू कीजिए, आप ये परहेज कीजिए, कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए जो कि आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चीजें मेंशन कर दूंगी, जो भी बातें जो है नोटिस करने वाली हैं, ध्यान में रखने वाली हैं, वो सभी चीजें मैं लिख दूंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मन में जो उठते हैं उनका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। अब मैं कुछ ऐसे घरेलू मसालों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो हम अगर डेली अपने रूटीन में शामिल कर लें तो हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, हमें इधर उधर कहीं भागना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों आपको जब भी डिटेक्ट होता है कि हमें जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो आप सबके घर के आसपास अरंडी का पौधा बहुत इजीली मिल जाता है दोस्तों। उसके पत्तों का रस हमें सुबह सुबह निकालना है, अच्छी तरह से पत्ते धुल के उबले हुए पानी का यूज कीजिएगा, उसका रस निकालने के लिए भी थोड़ा चटनी जैसे जब आप उसे पीसिएगा तभी उसका रस निकलेगा, और करीब करीब 25 ml आपका रस निकलना चाहिए। खाली पेट आपको उसको पीना है सिर्फ 3 दिन बस, आप देखेंगे कि आपका जॉन्डिस जो है, जब होता है ना झड़ गया, वो पीलापन जो आपकी बॉडी का है वो ठीक होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर ये अरंडी नहीं मिलती है तो भूमि आंवला, आप लोगों ने देखा होगा आंवले जैसे ही पत्तियां होती हैं लेकिन आंवला बड़े बड़े होते हैं, भूमि आंवला बहुत छोटे 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 से होते हैं, एकदम लाइन जैसे लगे होते हैं। अगर आपको वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भूमि आंवला का शायद रस भी मार्केट में मिलता है, तो आप उसे भी खाली पेट लीजिए, लेकिन वो भी आपको सिर्फ 3 दिन लेना है। इस तरह की कोई भी रेमेडी आपको सिर्फ 3 दिन करना है जॉन्डिस होने पे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों ही रोग जो है हमारे लिवर की वजह से हो रही है, लिवर प्रॉब्लम अगर हमको है तो हमको टाइफाइड भी हो रहा है, जॉन्डिस भी हो रहा है। तो सबसे पहले लिवर के लिए घरेलू मसालों में हम देखते हैं कि क्या चीज हमारे लिवर को बहुत फायदा पहुंचाती है, और उसमें सबसे पहले ध्यान आता है अजवाइन का। अजवाइन में तो ऐसे गुण होते हैं दोस्तों कि जो शराब पी के अपना लिवर खराब कर लेते हैं ना, उनके लिवर को भी रिपेयर कर देती है अजवाइन, अजवाइन का काढ़ा।
तो हमें क्या करना है कि अजवाइन 2 चम्मच रात में भिगो देना है, सुबह उसका पानी जो है पी लेना है। लेकिन ये 2 या 3 दिन पीने से नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, 15 से 20 दिन आपको पीना पड़ेगा। और अगर आप काढ़ा बना के पीना चाहते हैं तो आप काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। अजवाइन भी गर्म तासीर की होती है दोस्तों, तो दोबारा से गर्म तासीर को लेकर मुझसे सवाल नहीं कीजिएगा। अजवाइन में ऐसे गुण होते हैं जो आपको लीवर को रिपेयर करती है। सो आप अपना टेस्ट, अपना स्वास्थ्य देख लीजिए कि आप अजवाइन ले सकते हैं कि नहीं, फिर आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और वैसे भी इतनी सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि मुझे लगता है इनमें से 1-2 चीजें भी आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप लोग सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लास्ट हमारे मसालों में बचता है कलौंजी और दालचीनी। 2 चीजें हैं जो आप इन्हें अलग से मत लीजिए, आप इन्हें अपने खाने में, जैसे आपने अगर चाय बनाई तो आपने थोड़ा सा उसमें दालचीनी तुलसी ये सब डाल दी तो भी वो आपके बॉडी को बहुत फायदा पहुंचाती है, आपके लिवर को बहुत फायदा पहुंचाती है। कलौंजी मसाला जो होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें हम कलौंजी कहते हैं। कलौंजी मसाला अक्सर भरवा चीजों में बनाया जाता है, वो भी गर्म तासीर का ही होता है दोस्तों। जितने मसाले मैं बता रही हूँ सभी गर्म तासीर के होते हैं, लेकिन ये सभी जो है लिवर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आपको बहुत बहुत मात्रा किसी चीज की नहीं लेना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा इन सब की इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे बॉडी इन सब चीजों की यूज टू हो जाती है, तो बहुत सारे रोग और भी निकल जाते हैं। पूरी पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आप लोगों के जितने भी सवाल थे उन सभी का जवाब मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊं। तो अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ सवाल आते हैं आप लोग कमेंट डाउन कर लीजिएगा, मैं उनका भी रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन किसी भी रोग से, किसी भी व्याधि से हमें डरना नहीं है, कोई भी होम रेमेडी यूज करने से तो पीछे कभी नहीं हटना है दोस्तों। और रोग चाहे जो हो, हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से ही हमारी बॉडी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो खान पान अगर सुधर गया तो सब चीजें सुधर गई। जंक फूड नहीं लेना है, बाहर का खाना नहीं लेना है, ऑयल का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको जॉन्डिस है तो आप उबला खाना खाइए, छोंक लगाना ही नहीं है, तड़का लगाना ही नहीं है, घी वगैरह तो लेना ही नहीं है। एक बार लिवर अच्छा हो जाए, एक बार हमारी बॉडी सिस्टम ठीक हो जाए, फिर हम सब कुछ खाएंगे। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं ले रही हूँ विदा दोस्तों। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की। डिस्क्रिप्शन में मैं हर चीज मेंशन कर दूंगी, वैद्यनाथ हो, पतंजलि हो या हिमालय हो, जो भी चीजें यूज करने लायक है मैं सभी चीजें मेंशन कर दूंगी दोस्तों। और गर्म तासीर, ठंडी तासीर, ये सारी तासीर दवाइयों की होती ही है, उसे हमें कैसे लेना है इस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और बस इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, आप लोगों के स्वास्थ्य की मैं कामना करती हूँ। मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।